प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, जो 1757 से लेकर 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। 1760 में मीर जाफर का दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। अपने राज्यारोहण के तत्काल बाद उसे मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बिहार पर आक्रमण का सामना करना पड़ा। कंपनी की सेना ने सम्राट को पराजित कर उसकी स्थिति को दीनीय बना दिया। कंपनी तथा उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लेता है। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं आमदनी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए, जिनमें है अधिक धन वाले का धन जब्त करना, सरकारी खर्च में कटौती करना, कर्मचारियों की छटनी करना, नए जमींदारों से बकाया धन की वसूली आदि हैं। मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार नाम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं था। सैन्य अभियान में सुधार करने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की और साथ ही उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। इसके लिए उसने अपनी सेना को गुरगीम खान नामक आर्मेनियाई के नियंत्रण में रखा। मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों और बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना की। 1717 में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग को देखकर नवाब मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद कर दी। 1762 में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को मिलने से लगा। पहले यह लाभ 1717 के फरमान द्वारा केवल कंपनियों को ही मिलता था। कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेष अधिकार की अवहेलना के रूप में लिया। परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरुआत हुई। जुलाई 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को बुने बंगाल का नवाब बना दिया। 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और एडम्स के नेतृत्व में करवा नामक स्थान पर करवा का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब बुरी तरीके से पराजित हुआ। करवा के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेजों ने 3 बार पराजित किया। परिणाम स्वरूप कासिम को मुंगेर छोड़कर पटना में शरण लेनी पड़ी। 1763 में हुए पटना हत्याकांड, जिसमें कई अंग्रेज मारे गए थे, उसमें मीर कासिम प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा बार बार पराजित होने के बाद मीर कासिम ने एक सैनिक गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास किया। कालांतर में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। सैन्य गठबंधन के निर्माण के बाद बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 का होता है। कहीं पे 22 अक्टूबर मिलता है, कहीं पर 23 अक्टूबर मिलता है। तो ये 22 या 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, और जो बक्सर का युद्ध होता है वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के मध्य होता है। कहने का मतलब है कि एक साइड में केवल एक कंपनी है और दूसरी साइड में 3 बड़ी शक्तियाँ हैं। एक बंगाल का नवाब, यानी कि जितने भी आपकी प्रेसिडेंसी थी, जितने भी प्रांत थे, उनमें जो सबसे बड़ा प्रांत था वो आपका बंगाल था। और बंगाल का नवाब क्या है, एक कंपनी के विरुद्ध जो है एक सैन्य गठबंधन का निर्माण करता है, ठीक है। दूसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा था मुगल बादशाह, यानी कि पूरे भारत पर शासन करने वाला जो मुगल बादशाह था, ये 3 बड़ी शक्तियाँ मिलकर एक कंपनी के विरुद्ध क्या है, आक्रमण करते हैं, जिसमें जो कंपनी है, कंपनी जो है जीत जाती है, और जो आपके मुगल जो ये आपका 3 बड़ी शक्तियां हैं वो हार जाती हैं।
ठीक है। और जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था इस समय हेक्टर मुन्नो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। और यह जो युद्ध होता है, जो बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का मैदान जो बनारस के पूर्व में आपका बक्सर का मैदान है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और ये आती है कि जहाँ हमने ये देखा था कि जो प्लासी की विजय थी वो एक कूटनीति विजय थी, यानी कि कूटनीति का परिणाम था जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बंगाल के नव जो आपका सेनापति है जो मीर जाफर है और बंगाल के कुछ और अधिकारियों के अपने साथ मिला लेता है, जिसकी वजह से जो एक कंपनी है वो आपके सिराजदौला को हरा देती है। तो इसलिए प्लासी की विजय क्या होती है, एक कूटनीति का परिणाम होता है जिसके कारण कंपनी जो है क्या होती है, जीत जाती है। लेकिन जो बक्सर की विजय को माना जाता है, ये बक्सर की विजय एक सैन्य अभियान था, एक सैन्य विजय थी, यानी कि सेना के बलबूते पर कंपनी तीन बड़ी शक्तियों को हरा देती है, ठीक है। अभी मैं आगे भी बताऊंगी, क्योंकि जो हमारा जो बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन केवल बंगाल तक ही सीमित रहता है, लेकिन जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर के युद्ध के कारण जो कंपनी का शासन है वो बंगाल से निकलकर बाहर भी स्थापित हो जाता है, क्योंकि जो कंपनी है, कंपनी का एक अखिल भारतीय स्वरूप भी निकल कर आता है। अखिल भारतीय स्वरूप क्यों निकल के आता है, क्योंकि तीन बड़ी शक्तियों को हरा देने के कारण एक कंपनी अखिल भारतीय स्तर पर यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर छा जाती है, है ना। जबकि प्लासी के युद्ध से क्या हो रहा था, 1757 से कंपनी केवल बंगाल में ही अपनी विजय की जीत को साबित कर रही थी, लेकिन अब उसकी जीत क्या है, पूरे भारत में हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और तीन बड़ी शक्तियों के मध्य होता है, और जिसमें कंपनी जीत जाती है और ये तीन बड़ी शक्तियाँ क्या होती हैं, हार जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका बक्सर का युद्ध हुआ है, दो लोगों के बीच में भी कह सकते हैं हम। जो बक्सर का युद्ध था सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कहा जाता है, जिसमें अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना हुई है। सबसे अधिक निर्णायक क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि प्लासी के युद्ध से केवल क्या होता है, उनका प्रभुत्व बंगाल तक ही सीमित होता है, लेकिन इससे क्या हुआ है कि उनका अखिल भारतीय स्वरूप निकल कर आता है। जैसे प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों की प्रभुसत्ता केवल बंगाल में स्थापित हुई है, परंतु बक्सर के युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया गया, यानी कि कंपनी क्या है, मुगल बादशाह को भी हरा देती है, अवध के नवाब को भी हरा देती है और बंगाल के नवाब को भी हरा देती है। लेकिन ये माना जाता है कि जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, वो अंदर खाने ईस्ट इंडिया कंपनी से मिला हुआ था, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। और जो बक्सर के युद्ध के समय, ये भी आता है क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब कौन था, तो वो मीर जाफर था, ठीक है। जो मीर कासिम था उसमें बंगाल का नवाब नहीं था, क्योंकि 1763 में ही उसे कंपनी पद से बर्खास्त कर देती है और उसे स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर देती है, ठीक है। इस तरीके से जो शाह आलम सेकंड है, यानी कि जो मुगल बादशाह है शाह आलम सेकंड के समय ही जो कंपनी है 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लेती है, ठीक है। तो कंपनी किसके समय करती है, शाह आलम सेकंड के समय दिल्ली पर अधिकार कर लेती है 1803 में, ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय दो संधियां हुई थी, एक है इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरी है इलाहाबाद की दूसरी संधि। जो इलाहाबाद की पहली संधि है वो आपकी 12 अगस्त 1765 को पहली संधि हुई थी, और ये जो पहली संधि हुई थी यह लॉर्ड क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी, और जिसमें शाह आलम सेकंड को पेंशन भोगी बना दिया जाता है, ठीक है। और इस संधि के बाद
चार दिन बाद ही आपकी दूसरी संधि होती है, वो होती है 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है और जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में होती है। तो ये दो संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो पहली संधि हुई थी 1765 में जो लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी और दूसरी संधि हुई थी 1765 में होती है जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में होती है। ठीक है, एक शब्द और आता है इंटरपोल। इंटरपोल क्या है कि बंगाल में व्यापार करने वाले अनाधिकृत ब्रिटिश व्यापारियों को इंटरपोल या दस्तनबाजों कहा जाता है। ठीक है, ये भी आ जाता है कि इंटरपोल क्या है। ठीक, आगे है कि जो आपकी ये था बक्सर का युद्ध था, बक्सर से युद्ध से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे जो मीर कासिम था, मीर कासिम अली वर्दी खान के बाद बंगाल का सर्वाधिक स्वतंत्र शासक भी था और सर्वाधिक योग्य शासक भी था। ठीक है, अली वर्दी खान के बाद, और मीर कासिम के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं होता है। अगला ये है कि जो बंगाल का अंतिम जो नवाब था वो मुबारक उद्दौला था, जो 1777 से लेकर 65 तक, पिछहत्तर तक रहता है। तो ये अंतिम मुगल बादशाह है मुबारक उद्दौला। अगला ये है कि जो बंगाल सबसे पहले मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वतंत्र हुआ, यानी कि जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था मुगलों से, मुगल साम्राज्य से जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था वह बंगाल हुआ था। तो कोई चीज को ध्यान रखना, और ब्रिटिश सरकार द्वारा सबसे पहले जो अधिकार किया गया है वो भी बंगाल पर ही किया गया है। कहने का मतलब है कि मुगलों से सबसे पहले जो स्वतंत्र हुआ है वो भी बंगाल है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सबसे पहले अधिकार किया गया है वो भी बंगाल पर ही किया गया है, क्योंकि बंगाल जितने भी प्रांत थे उनमें सबसे ज़्यादा संपन्न जो प्रांत था, प्रेसिडेंसी थी, वो आपकी बंगाल थी। इसलिए मुगलों से सबसे पहले आज़ाद भी यही हो जाता है और ब्रिटिश सरकार सबसे पहले अधिकार भी बंगाल पर ही करती है। ठीक है, तो बंगाल मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य या प्रांत था। दूसरा यह है कि जो मुर्शिद कुली खां है, मुर्शिद कुली खां से लेकर अलीवर्दी खां तक के समय को बंगाल का क्या कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है। यानी कि जो मुर्शिद कुली खां के समय से लेकर अलीवर्दी खां तक के समय को बंगाल का क्या कहते हैं, स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से देखते हैं कि ये आपका बक्सर का युद्ध था, जो जहां प्लासी का युद्ध अंग्रेज जो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल बंगाल तक सीमित रखता है, वहीं बक्सर का युद्ध एक कंपनी को निर्णायक रूप से स्थापित कर देता है और उसका एक अखिल भारतीय स्वरूप स्थापित कर देता है, क्योंकि बक्सर का युद्ध में कंपनी जो है तीन बड़ी शक्तियों को हरा देती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बक्सर का युद्ध है तीन बड़ी शक्तियों को हरा देने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो कंपनी है, कंपनी एक पूरी तरीके से स्थापित हो जाती है और स्थापित होने के बाद जो अभी मैंने पहले ही बताया था कि 1757 से कंपनी जो है शासन शुरू हो जाता है और पूरी तरीके से जो कंपनी का शासन स्थापित होता हो जाता है 1764 से बक्सर के युद्ध से, और यह कंपनी 1857 तक युद्ध मतलब अपना क्या करती है, शासन करती है। यानी 1757 से लेकर 1857 तक क्या करती है, भारत में एक कंपनी शासन करती है और उसके बाद जो आपका 1857 की क्रांति के बाद, ठीक, जो यहाँ से लेकर 1947 तक जो भारत में शासन किसका होगा, जो ब्रिटेन के सम्राट का भारत में सीधे शासन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह बक्सर के युद्ध से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन निर्णायक रूप से स्थापित हो जाता है।